आज हम सीखेंगे ड्राई रन ऑफ कंटिन्यू। सबसे पहले हमारे पास एक ये प्रोग्राम दिया हुआ है। एंड अब हमारे पास ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर कंटिन्यू काम कैसे करता है। कंटिन्यू का काम है कि स्किप करना, यानी जो हमें कंडीशन दे रखी है उसे छोड़कर आगे प्रिंट करना। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि एक्स इन रेंज 7, यानी एक्स के अंदर हमें जो रेंज दी हुई है वो 7 तक की है। देखिए एक्स एंड देन जो हमारी कंडीशन है एंड देन प्रिंट। एक्स में हमें 7 तक की रेंज दे रखी है, सबसे पहले हम क्या लेंगे 1, और हमारी कंडीशन क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम x में क्या डालेंगे 1। क्या हमारा 1 3 के इक्वल है? नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। फिर हमें एक और कंडीशन भी चेक करनी है। क्या हमारा 1 5 के बराबर है? नहीं है, हमारी कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। जब भी हम कंटिन्यू में कुछ भी काम करते हैं अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा, यानी 1। एंड देन नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हमारी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट करती है। अब देखिए देन सेकेंड, 2 इज इक्वल टू 3। क्या हमारा 2 3 के बराबर है? नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या हुई? फॉल्स। एंड और, क्या 2 5 के बराबर है? नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। फॉल्स होते ही वो क्या प्रिंट कर देगा? 2। एंड देन नेक्स्ट 3, क्या हमारा 3 3 के बराबर है? कंडीशन ट्रू। एंड हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, क्या हमारा 3 5 के बराबर है? नहीं है, तो हमें पहले ही बताया गया था कि अगर और के अंदर हमारी एक कंडीशन ट्रू और दूसरी फॉल्स होती है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? ट्रू। तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और हमने पहले ही डाल रखा है कि अगर हमारी कंडीशन इन दो स्टेटमेंट पे ट्रू होती है तो उसको प्रिंट ना करके आगे उसको कंटिन्यू करें। तो हमारा फिर से इंक्रीमेंट हुआ तो हम करेंगे 4। 4 इज इक्वल टू 3। क्या हमारा 3 4 जो 3 के इज इक्वल टू है? नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई? ट्रू। हम फिर से चेक करेंगे, क्या हमारा 4 5 के बराबर है? नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा? 4। एंड देन 5, क्या हमारा 5 3 के बराबर है? नहीं है। एंड सेकंड, क्या हमारा 5 5 के बराबर है? है, तो हमारी कंडीशन क्या हुई? ट्रू। हमने ऊपर भी कहा था कि अगर हमारी और के अंदर एक कंडीशन ट्रू एंड दूसरी फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू। और हमने पहले ही बोल रखा है कि जब हमारी स्टेटमेंट जो हमारी ये कंडीशन है ये ट्रू होती है तो ये उसको प्रिंट ना करके आगे उसको कंटिन्यू करें। फिर से इंक्रीमेंट होगा, क्या हमारा 6 3 के बराबर है? नहीं है, तो फॉल्स। एंड देन, क्या हमारा 6 5 के बराबर है? नहीं है, तो प्रिंट कर देगा 6। एंड फिर से इंक्रीमेंट होगा 7, क्योंकि हमें ऊपर दे रखा कि हमारी रेंज कितनी है? 7 तक। क्या हमारा 7 3 के बराबर है? नहीं है। एंड देन फिर हम चेक करेंगे कि हमारा 7 5 के बराबर है? नहीं है, तो प्रिंट क्या करेगा? 7। देखिए कितना इजी था कंटिन्यू के ड्राई रन निकालना।